हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। आप देख रहे हैं मैकावर की स्टडी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस वर्ष पॉलिटेक्निक का प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि पॉलिटेक्निक की 2733 सीटें बढ़ चुकी हैं। और ये जो सीटें बढ़ी हैं उसमें जो है इसी सत्र यानी कि जो नया प्रवेश होगा उसमें इस बढ़े हुए सीटों में आप दाखिला ले पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे कुछ संस्थान दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कुछ प्राइवेट संस्थान हैं पॉलिटेक्निक के, और यहाँ पे गवर्नमेंट यानी कि राजकीय इंस्टीट्यूट हैं। इन सभी में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है, और जो बढ़ी हुई कुल सीटों की संख्या है वो 2733 सीटें हैं। तो दोस्तों, ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डिटेल्स में बताया हुआ है कि पॉलिटेक्निक में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। बीते साल की तुलना में इस बार उनके पास करीब 2700 से ज़्यादा सीटों पर दाखिला पाने का मौका होगा। निदेशक मनोज कुमार ने बताया, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के मानकों में खरे उतरने के बाद प्रदेश की कई संस्थानों में सीटों को बढ़ाने पर अपने फैसले पर मुहर लगा दी है। अब छात्र इसी सत्र में बढ़ी हुई सीटों में दाखिला ले सकते हैं। AICTE के इस फैसले के बाद प्रदेश भर के सरकारी व अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं में सीटों की संख्या 34185 से बढ़कर 36918 हो गई है। दोस्तों, यहाँ पे जो है 34185 में आप 2733 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कुल जो सीटों की संख्या हो जाएगी 36918। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोगुनी हो गई सीटें, ठीक है, दोगुनी हो गई सीटें। प्रदेश के कई संस्थानों में इंटरनेट कैफेटेरिया, बोर्ड रूम, ऑफिस, लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर, सेमिनार हॉल और लाइब्रेरी के मानकों के पूरा होने के बाद सीटें बढ़ गई। यानी कि पहले इन संस्थानों में ये सारी सुविधाएं नहीं थी, जैसे ही ये सारी सुविधाएं आई हैं तो वहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। जहाँ कुछ संस्थानों के कई ट्रेडों में सीटों की संख्या 48 से बढ़ाकर 60 हुई है, यानी कि वहाँ पर 12 सीटों को बढ़ाया गया है, और कुछ संस्थानों में 30 से डायरेक्टली 60 कर दिया गया है, यानी कि दोगुना यहाँ पर बढ़ाया गया है। दोस्तों, कुछ संस्थानों में जो है यहाँ पे सीटों की संख्या बिल्कुल जीरो थी, उन संस्थानों में सीटों की संख्या जो है 60 कर दी गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हंडिया प्रयागराज के राजकीय संस्थान के लिए सीटों की संख्या 60 हो गई है, और राजकीय पॉलिटेक्निक हंडिया में कई ट्रेडों की पिछले सालों में सीटें जो घटकर जीरो हो गई थी, जो इस बार 60 हो गई। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है पॉलिटेक्निक के उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर है जो इस वर्ष दाखिल लेंगे, और उनके सीटों की संख्या यहाँ पे बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।